भाई सीपी की तो ना पता, इससे पहले की तो कह सकता हूँ सुनवाई हुई थी, पर या की नहीं पता ही कैसी सुनवाई करेगा। हम तो जब मानेंगे इस सीपी को, जब हमारी सुनेगा, जब हमारी बातों को सुनेगा, हमारे हिंदुओं को ध्यान में रखेगा। उससे पहले हमें किसी प्रशासन पर कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद जब ही जागेगी जब प्रशासन हमारी सुनेगा। पुलिस प्रशासन हाय हाय, आदर्श नगर चौकी गुंडा गर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आदर्श नगर चौकी गुंडा गर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। सर आप लोग यहां पर बैठे हैं रोड पर, मांग क्या है और कब तक उठेंगे? ये तो भाई साहब वो बताएंगे जिनकी, कब तक उठेंगे ये तो ये हम जब तक उठेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमारी लड़की बहन बेटी हमारी जो बरामद नहीं हो जाएगी और इन दोषियों के खिलाफ कानून कार्रवाई नहीं होगी तब तक नहीं उठेंगे। चाहे फांसी सजा फांसी कुछ भी हो, मरने के लिए तैयार है। अगर पुलिस गोली चलाएगी हम गोली खाएंगे सीने में, हमें इस चीज से एक भी दिन डर नहीं है। अगर ऐसे नहीं मिलेगा पीड़िता को, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन मदद कर रहा है आरोपियों की। ये सीधा सीधा लव जिहाद का मामला है। रवि नाम बताकर उस लड़की को फंसाया गया, घर से चोरी करके गहने नकदी लेके गए, और कहीं ना कहीं पुलिस दबाव बना रही है पीड़िता के ऊपर कि तुम चले जाओ, वापस चले जाओ। और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई की है, उसका हमारे पास सबूत है, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। लड़की का कुछ अता पता है, सही है, सलामत है? पता नहीं है, पुलिस वालों को सारा है, कुछ है कुछ नहीं पता है। इन पुलिस वालों को सारा पता है, पुलिस वालों को, पुलिस वाले बताते हैं कि लड़की ने शादी कर ली है। जब पुलिस वालों को ये पता कि शादी कर ली, लेकिन ऐसे ही अब तक कई मामले हो चुके हैं 2-3 महीने के अंदर इसी थाने से, पर कहीं ना कहीं पुलिस उन दबाव नहीं बनाती है। नहीं, कई बार जो है लव जिहाद के तहत ऐसा होता है, फिर हत्या भी हो जाती है। हत्या, निकिता अभी एक मामला हुआ था सारण एरिया में, हत्या भी हो गई थी। क्या आपको पता है लड़की सुरक्षित है क्या? नहीं, इस चीज का हमें नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है ना कुछ। और दारू पी के, दिन में दारू पीते हैं, सोडा रखा हुआ है हमारे, और हाथापाई की है, सब सबूत है हमारे पास। साथ में कोई घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा, क्योंकि पुलिस। क्या नाम है लड़की का सर? लड़की का नाम रितु है। रितु हाँ, और लड़के का नाम राशिद है, उसने रवि बता करके सारा षड्यंत्र जो रचा है, और नाम बदल के फंसा है। रवि नाम रखा है उसने, राम राशिद है उसका। ये जो मामला है लव जिहाद का मामला है, ये धर्म परिवर्तन करके पहले रवि नाम बताया है, और जो लड़के का नाम हिंदू है, ये सरेआम गुंडागर्दी तो मुसलमानों की यही है, मतलब नाम बदल के ले जाते हैं। किराए पे कमरा लिया था उन्होंने, पहले किराए पे रहने आए थे, नाम बदल कर और रवि नाम बताया, और ये वारदात को अंजाम देकर अपना फरार हो गए। अच्छा। और जिसमें से घर से चोरी और नकदी करके। लड़की कहाँ की रहने वाली है? ऊंचे गांव की है, ऊंचे गांव बल्लभगढ़ फरीदाबाद। थाना यही पड़ता है, आदर्श नगर, आदर्श नगर चौकी में पड़ता है। लड़की वहाँ पे, लड़की का परिवार पिछले कई वर्षों से वहाँ पर किराए के मकान में रहता है, और लड़का भी किराए के मकान में ऊंचे गांव में रहता है। और ये ऐसी घटना पहली घटना नहीं है, आए दिन बल्लभगढ़ के अंदर ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। ये एक षड्यंत्र ग्रोह जिसके साथ प्रशासन मिला हुआ है, प्रशासन पीड़ित परिवार पर दबाव बनाता है, और जो परिवार को दबा करके उनकी मदद करता है। बल्लभगढ़ के अंदर आप मेन बाजार में जाइए, मेन बाजार में पूरे में कब्जा इन लोगों का है, लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं, लूटते हैं, लूटपाट करते हैं, पूरे बल्लभगढ़ में उन्होंने जीना हराम कर रखा है। पुलिस प्रशासन इनकी पूरी तरीके से मदद करता है, परेशान है जनता, परेशान है। पिछले ऐसे भी 2-3 केस हो चुके हैं, ऐसे ही एक सुभाष कॉलोनी का केस था, नाबालिग लड़की को जबरन दिन में उठा के 2 बजे ले गए थे और उसके साथ बलात्कार किया सेक्टर 62 में। ठीक है सर, क्या कहना, क्या कहना आप, क्या नाम? नाम पंकज। आपने क्या देखा है? मैंने क्या देखा? अत्याचार, हिंदुओं पे होता हुआ अत्याचार, हिंदुओं के साथ बढ़ती जा रही बर्बरता, हिंदुओं पे किए जा रहे अत्याचार, हिंदुओं के साथ की जा रही क्रूरता, वो इस थाने के अंदर देखने को मिली। मदद नहीं हुई आप? मदद, ये मदद करेंगे, ये काट के खा जाए हिंदू ने। पैसा चाहिए, पैसा तुम्हारे पास हो तुम्हारी सुन लेंगे, मुंह पे तो ना देने को। कोई पैसा मांगा आप लोगों से? हाँ जी, पैसा मांगा। ये देखो हिंदू बहन बेटी के साथ, इनकी बेटी जाती है और ये थाने में जाते हैं, दूध लाओ,
लस्सी लाओ और इनको कैंप ला के दो, फिर जा करके तो बात सुने, और दारू की बोतल दे दो तो सारी कंप्लेंट इनकी सी। अब कहाँ तक लाएंगे दारू की बोतल? मांगता है दूध दही। हाँ जी, दारू की बोतल कौन मांगता है? यहाँ का एसआई वेदराम मांगता है दारू की बोतल। कभी सीपी वगैरह शिकायत की आपने उसके खिलाफ? किससे करें कंप्लेंट? सीपी वगैरह पुलिस कमिश्नर भैया। अरे एक बात बताओ, यू लेडीज लगे कहीं जान लाएंगे? यू थाने तक आ गए, यही बड़ी बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग चाहते हैं पुलिस प्रशासन आपकी मदद करे? करे तो सही, करे तो सही। आज से पहले की 3 महीने घटना ना देखी अज्जी कॉलोनी लक्ष्मण नगर की? एक 14 साल की बच्ची को एक विधर्मी उठा के ले जाता है यहाँ से, और वहाँ जाके तालिबानियों के हाथ में दे दी जाती है। मेवात के चौपान की गांव, जो कि पूर्णतः तालिबानियों का हो चुका है, पूर्णतः भाषा भी इस्लामिक हो चुका है, जहाँ से हिंदू परिवारों को निकाल दिया गया। शिकारपुर, जहाँ से पूर्णतः हिंदू परिवार, शिकारपुर गाँव का लड़का शाहरुख नाम का, यहाँ से आकर के बहाना करता मैं नौकरी कर रहा हूँ और ले जाता बहन बेटी को, और जब वहाँ जाकर के बेटी को निकालने का प्रयास किया जाता है, ये प्रशासन धोखे पे धोखे एक दिन भी साथ चलने को तैयार नहीं। वो तो शुक्र था उस समय अपना सीपी। हाँ जी, यहाँ का मामला 3 महीने पहले का, इसी थाने का, इसी SHO का, इसी थाने का, इसी SHO का, बर्बरता का एक और स्वरूप। भाई साहब सीपी साहब हैं, बहुत संवेदनशील हैं। भाई सीपी की तो ना पता, इससे अच्छा। पहले की तो कह सकता हूँ सुनवाई हुई थी, पर या की नहीं पता ही कैसी सुनवाई करेगा। हम तो जब मानेंगे इस सीपी को, जब हमारी सुनेगा, जब हमारी बातों को सुनेगा, हमारे हिंदुओं का ध्यान में रखेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। उससे पहले हमें किसी प्रशासन पर कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद जब ही जागेगी जब प्रशासन हमारी सुनेगा।